तो तब एक बार थोड़ी दिक्कत हुई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि जो मालिक है उसने मेरे को छेड़ने की कोशिश की दारू के नशे में, तो अगले दिन उसने माफ़ी मुफ़ी मांग के इनको मना लिया कि हाँ माफ़ कर दो ये सो, जैसे मुझे मना लिया था। तो उसके बाद भी छोटी छोटी मतलब ऐसे लगता था कि उनको कोई दिक्कत है मगर बता नहीं पा रहे थे खुल के। तो उसके बाद 17 तारीख की बात है, जब वो चैट्स जो मतलब आई थी सामने, जब उसको मतलब एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की गई थी कुछ VIP गेस्ट के लिए, तो उसके बाद अगले दिन से वो गायब, मतलब रात के बाद उसके बाद वो गायब हो गई थी। तो लास्ट टाइम मतलब मेरी जब बात हुई थी 6 बजे बात हुई थी, 6 बजे मैंने पहले नॉर्मली बात हुई थी, तो उसके बाद रोना स्टार्ट कर दिया उसने। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं पाई वो। तो उसके बाद उसने बोला मैं बाद में बताऊंगी तुम्हें रात को, मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि ये जो मालिक है पुलकित आर्यन, इसने पुलिस को फोन किया अभी, उसको बोला कि यहाँ पे एक अश्लील लड़की है इसको ले जाओ यहाँ से गिरफ्तार करके। शायद उसको डराने के लिए किया या क्यों किया वो नहीं पता, मगर वो रो रो के बता रही थी, इसका मतलब सच था। तो उसके बाद 8:30 बजे उसका फोन आया, खुद ही फोन आया था, मैंने किया था या उसने किया था, उसने खुद किया था 8:30 बजे। तो मुझे गाड़ियों की आवाज़ आ रही थी, मैंने पूछा कहाँ हो, तो बोला मैं अभी बाहर हूँ कहीं पे। तो मैंने पूछा कि अभी मतलब अभी आप बोल रहे थे इतनी बड़ी बात हुई है बाहर क्या कर रहे हो, तो मतलब सर ने कहा कुछ जरूरी बात करनी है और बाहर थोड़ा टहल के आते हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं थी क्योंकि वैसे भी तो बाहर जाते थे ये भी, मतलब ये इनको लेके जाता था या कुछ स्टाफ के लोग थे उनके साथ, ये बाहर जाते थे रात को या शाम को, मतलब अपना जैसे कोई मतलब क्योंकि मार्केट तो दूर है तो ऐसे तो निकलते थे। तो मैंने भी थोड़ा इतना गौर नहीं किया कि चलो ये तो आम बात है, क्योंकि पहले भी जाते थे, इस बार भी कोई नई बात नहीं है, और थोड़ा थोड़ा शक तो हो रहा था। तो मैंने पूछा कहाँ हो, तो उन्होंने बोला हाँ हम यहीं पे रास्ते में है, प्रॉपर लोकेशन नहीं बताया, उन्होंने बोला रास्ते में है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि हाँ बात क्या हुई थी अब बताओ, तो मतलब वो बताना चाह रही थी मगर बता नहीं पाई वो किसी कारण से, क्योंकि आसपास होंगे तो नहीं बता पाई। तो बिल्कुल नॉर्मल बातें हो रही थी, बोल रही थी, मैंने पूछा कि हाँ क्या हुआ, तो उसने बोला हाँ खाना खा लिया, मतलब खुद से बोल रही थी हाँ खाना खा लिया, हाँ ठीक है सब कुछ ये वो। मैंने उसको बोला था फ़ोन मत काटना थोड़ी देर बात चलनी, तो कोई मेरी 18 मिनट 55 सेकंड मतलब 19 मिनट बात हुई लगभग, तो उसमें यही बात है नॉर्मल, मतलब वो बता नहीं पाई कुछ भी। लास्ट में उसने एक बात बोली मेरे को ना, मैं फंस गई। अच्छा। तो उसके बाद से फिर फ़ोन बंद हो गया। तो उसके बाद जब मतलब फिर फ़ोन बंद हो गया, लगा लीजिए कोई 8:52 पे फ़ोन कट हो गया था मेरा, 8:51-52 पे मेरा फ़ोन कट हो गया था। तो उसके बाद पुलकित आर्यन ने मेरे को फ़ोन किया जो ऑनर है, 9:38 में इसने बोला कि मैंने ना आपसे एक बात करनी है पर्सनली। मैं हाँ बोलिए बिल्कुल। उसने बोला यार देखो अंकिता ना बड़ा अच्छा, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ, मगर पहले दिन उसका केस है, इसमें कुछ रिजॉर्ट के कर्मचारी को लाया गया यहाँ पे आज। एक्चुअली अभी कुछ देर पहले ही करीब आज दिन में दोपहर के आसपास ये केस पुलिस के हैंडओवर हुआ है, पहले भी इसमें एफर्ट किए गए, अब पुलिस प्रॉपर जो हमारी पुलिस टीम है इसमें मैं खुद भी इसी केस के लिए यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो हम जैसा आप बता रहे कुछ लोग यहाँ पर आए हैं तो उनको पूछताछ के लिए बुला रखा है, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, बच्ची काफ़ी दिन से मिसिंग है और उसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं लगा, फ़ोन भी उस अभी उसका मिसिंग है, तो इस हिसाब से थोड़ा सीरियस कंसर्न है। तो हमारी हम टीम बना करके इसमें कार्य योजना बना रहे हैं और जल्दी इसमें कुछ बेहतर रिजल्ट हम आपको देंगे। इसमें जो मुख्य जिनके सस्पेक्ट है, जो घर वालों ने बताया कि जो पुलकित आर्य है जो रिजॉर्ट का मालिक है और एक अंकित है, ये दोनों इनके कुछ चैट रिकॉर्ड मिले हैं अभी ना, अभी देख अभी एक्चुअली क्या क्या मिला, क्या आर्य है जो रिजॉर्ट का मालिक है और एक अंकित है, ये दोनों इनके कुछ चैट रिकॉर्ड मिले हैं अभी ना, अभी देख अभी एक्चुअली क्या क्या मिला कैसा मिला, मैं चीज़ें हमें थोड़ा केस को समझने देते हैं, फिर उसमें जो जो रिक्वायरमेंट है किस पे आरोप है क्या है क्या कंडीशन है उसके हिसाब से हम जल्दी पूरा अभी से अभी इसका प्लान चौकआउट कर